नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं बरुनेंद्र। नवादा में संचालित इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि बिहार सरकार का कॉलेज है, आज वहां के छात्रों ने जमकर बवाल काटा। कॉलेज के मेन गेट में तालाबंदी किया, अपनी मांगों को लेकर के ज़बरदस्त नारेबाजी किया, विरोध प्रदर्शन किया। उन लोगों की डिमांड थी कि बहुत सारी समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं, कॉलेज कैंपस में वाईफाई सुविधा नहीं है, खास करके भोजन बहुत घटिया किस्म का दिया जाता है, बराबर कीड़ा निकलता है, लाइब्रेरी में किताबें नहीं है, इस तरह के बहुत सारे स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, कोई भी अगर स्टूडेंट बीमार पड़ जाता है तो उसे दिखाने के लिए कहीं परेशानी महसूस होती है, शहर से दूर कॉलेज है। तो इन सब मुद्दों को लेकर छात्रों ने ज़बरदस्त हंगामा किया। हालांकि इस पर जो प्राचार्य हैं विनय कुमार चौधरी, उनकी भी सफाई आई। उन्होंने कहा कि छात्रों ने क्लास बीच में सस्पेंड करा दिया, पूर्व से इस प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई थी, जो कुछ शिकायतें हैं उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, जहाँ तक खाना में की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उसको लेकर मेस मैनेजर से बात की गई है और उसको डायरेक्शन दिया गया है, वगैरह वगैरह सारी बातें। तो स्टूडेंट लोगों का क्या आरोप है, क्या कहना है, वो भी हम आपको सुनाते हैं, और प्राचार्य ने सफाई में क्या अपनी बातें रखी वो भी हम आपको सुनाते हैं। हम आपको लिए चलते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज नवादा की ओर। उससे पहले एक अपील कर देते हैं दोस्तों कि अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आज हम लोग मेस के, जो मेस से पिल्लू आ जाता है, बार बार खाना में पिल्लू आ जा रहा है और ना तो कोई फैसिलिटी। लेटर हर बार देते हैं हम लोग, हर बार लेटर दिए हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं सुनता है। और जैसे हम लोग कभी अगर गए कंप्लेन लेके तो पेरेंट्स को टारगेट किया जाता है। पहले मेस का बहुत गंदा स्थिति है, कैंटीन नहीं है कॉलेज में, कैंटीन तो अभी उसका टेंडर आया था लेकिन पता नहीं क्यों कैंसिल हो जा रहा है। कॉलेज में हॉस्टल मिलने में बहुत टाइम लगा था, अभी जाकर मिला है। खेलने का फैसिलिटी नहीं है, लैब भी बहुत कम होता है और क्लास भी बहुत कम लोग रहते हैं, ग्राउंड नहीं है, क्या नाम है, एम्बुलेंस नहीं आता है यहाँ, पंकज कुमार। कि हमारे कॉलेज में बार बार कंप्लेन करने जा रहे हैं, एम्बुलेंस के रिगार्डिंग, मेस के रिगार्डिंग, हॉस्टल के रिगार्डिंग, टीचर जो सुन नहीं रहे हैं, हम लोग को बोल करके जो है सीधे भेज दे रहे हैं कि ऐसा होगा ये बाद में बात करके। कॉलेज में सुविधा नहीं है, बच्चा तबियत खराब होता है जैसे निकलता नहीं है, लाइब्रेरी में बुक नहीं है, टीचर सही से जो है टारगेट करता है, पर्सनली टारगेट करता है, नंबर बोलता है कि नंबर काटेगा, ग्राउंड नहीं है, खेलने का ना सामान है, सारा फंड की है, उसको लेके क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो बच्चे लोग जो हमारे पास कोई आवेदन नहीं दिए और एकाएक हंगामा कर रहे हैं, तो एक कोई बहुत समस्या ही नहीं है। बोलिए सर, बोलिए, एक क्षण बोलिए सर। सर सबसे पहले ये तो बताइए सर, आज कॉलेज में क्यों तालाबंदी की गई, ये बताइए। तालाबंदी का हमको कोई इन्फॉर्मेशन पहले नहीं मिला जी, ठीक है। हम एकाएक हमको पता चला कि बच्चे लोग क्लास सस्पेंड करा के तालाबंदी पर बैठ गए। हम आए हैं, बोले कह रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम आके बात करो, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। और हमारा व्यू रहता है कि सारे बच्चे हमारे बच्चे हैं, जैसे हमारी एक बेटी अभी सामने खड़ी है, इसको हमने हॉस्पिटल भेजा, ये हमारे साथ है। और हमारा व्यू रहता है कि जैसे कोई भी बच्चा कष्ट में ना रहे। नहीं सर, सवाल है, ये लोग का कहना है 6 महीना से आपके पास ये लोग लगातार जा रहे हैं कि यहाँ वाईफाई नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, भोजन सही है, तो 6 महीना आप सुन देते हैं? नहीं नहीं नहीं, वाईफाई के लिए हमारे डिपार्टमेंट से पैसा अलॉट हो ले, बेल्ट्रोन के तरफ से लगना है वाईफाई, और सर्वे करके चला गया वो, एक या 1.5 महीना के अंदर में बोला है, अस्वस्थ किया है कि हम सबसे पहले नवादा में वाईफाई देंगे। वाईफाई का हमारा खाने की भी शिकायत हो रही है जी, खाने का ही मेन शिकायत है लोग का। मैंने परसों में मेस मैनेजर को बुलाया था, कुछ बच्चियों को भी बुलाया था, और उसने श्योर करके गया है कि सर मैं इसके बाद आपको इस तरह की घटना का सूचना आपको नहीं मिलेगी। लेकिन क्या जांच में कुछ पाया गया, त्रुटि पाया गया आपकी तरफ से? त्रुटि क्या, बच्चे का खाना में कमी रहती है, कीड़ा निकलता है, इस तरह का त्रुटि पाई गई है सर खाने में? खाने में तो अभी तो हमको नहीं पता है, बच्चे अभी बच्चे नहीं बोला, हमने उसको एक दिन का पेमेंट काटने का भी बात कर दी है जी।
पेमेंट काटने की भी बात मैंने कर दी। अभी क्या पैसे कराएंगे बच्चों को? बच्चे को क्या, बच्चे का मेस है, बच्चे का पैसा है। अभी वो किसी को बुला के लाएंगे और अपने स्तर से चलाना चाहेंगे, उसके लिए हम तैयार है। कम्युनिटी में आए दूसरे